नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, सीईएससी लिमिटेड की बात करते हैं। सीईएससी लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 78 रुपीज में है 16 फरवरी 2023 को, और तीसरी तिमाही के नतीजों की बात करेंगे, फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करेंगे Q3 FY23 के, साथ में डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है सीईएससी लिमिटेड ने। सीईएससी लिमिटेड पावर सेक्टर से रिलेटेड ये कंपनी है, और जो पूरा जो इसका नाम है द कोलकाता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड है। तो सीईएससी लिमिटेड की बात करते हैं। चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाएं। शेयर बाजार के अपडेट के लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। Q3 के नंबर्स की बात करते हैं। तीसरी तिमाही के जो नंबर्स हैं सीईएससी के, 31/12/2022 के क्वार्टर में इनकम की बात करते हैं, रेवेन्यू की बात करते हैं, तो 1,708 करोड़ का है, और Q2 में 2,263 करोड़ का था, एक साल पहले 1,662 करोड़ का, 1,662 करोड़ का एक साल पहले था 31/12/2021 के क्वार्टर में, ये बढ़कर 1,708 करोड़ का हुआ है। बट ये कि जो दूसरी तिमाही थी Q2 उसके हिसाब से कम है, उसके हिसाब से कम है ये, तो अब की बार जो रेवेन्यू है 1,708 करोड़ का रहा है, और अदर इनकम को प्लस करके टोटल इनकम की बात करते हैं तो देखिए जो अदर इनकम है 56 करोड़ का है, और टोटल इनकम जो आया है सीईएससी का 1,764 करोड़ का है, और Q2 में था 2,311 करोड़ का, एक साल पहले 1,720 करोड़ का था। तो अब की बार का जो टोटल इनकम है क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से कम है, बट सालाना देखते हैं तो देखिए थोड़ा बहुत बड़ा है ये, 1,720 करोड़ से बढ़कर 1,764 करोड़ का टोटल इनकम आया है, 1,764 करोड़ का टोटल इनकम है। और एक्सपेंसेस की बात करते हैं, देखिए जो एक्सपेंसेस है और ये कॉलम दे रखा है, टोटल एक्सपेंसेस है 1,758 करोड़ का, और जो टोटल इनकम है 1,764 करोड़ का। तो कंपनी को प्रॉफिट है, इसमें इन्होंने जो देखिए रेगुलेटरी इनकम भी दिया है 231 करोड़ का, और कंपनी का जो प्रॉफिट है 6 करोड़ का, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 237 करोड़ का है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 237 करोड़ का है, और प्रॉफिट फॉर द पीरियड 186 करोड़ का है, 186 करोड़ का प्रॉफिट है, और Q2 में 243 करोड़ का था, एक साल पहले 184 करोड़ का था। तो देखिए जो प्रॉफिट रहा है सीईएससी का 186 करोड़ का है, तो प्रॉफिट आया, मुनाफा आया कंपनी को, बट क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से कम है, और सालाना देखते तो आसपास ही है। अर्निंग पर शेयर ईपीएस की बात करते हैं 1.4 का है, और Q2 में था 1.83 का, और एक साल पहले 1.39 का, तो अर्निंग पर शेयर 1.40 का है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है 186 करोड़ का है सीईएससी लिमिटेड का, और टोटल इनकम तीसरी तिमाही में 1,764 करोड़ का। तो ये तीसरी तिमाही के नंबर्स थे। तीसरी तिमाही के नतीजों के साथ डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, और ये डिविडेंड जो दिया गया है 4.50 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से दिया गया, 4.50 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया गया है निवेशकों को, 450% ऑन द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। और इसका जो रिकॉर्ड डेट है वो है 24 फरवरी 2023, इसका जो रिकॉर्ड डेट है 24 फरवरी 2023 है, इसी के अनुसार शेयर धारकों को, निवेशकों को डिविडेंड का पेमेंट मिलेगा, एलिजिबल होंगे। मार्केट कैप की बात करते हैं 10,352 करोड़ का है, फेस वैल्यू 1 रुपये का है, बुक वैल्यू पर शेयर है 81 का, और अर्निंग पर शेयर है 10 का, और डिविडेंड यील्ड है 5.76 का। तो डिविडेंड अच्छा दिया जाता है कंपनी के द्वारा, जैसे कि अब की बार दिया है 4.50 रुपये का, और बुक वैल्यू पर शेयर है 81 का, तो अपने बुक वैल्यू के आसपास ही कारोबार कर रहे हैं। प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं, देखिए जिनके पास सीईएससी लिमिटेड का स्टॉक है, पिछले 3 साल का रिटर्न 9% का है, और 1 साल का रिटर्न देखिए आसपास ही है, एक तरह से एक रेंज में घूम रहा है स्टॉक, तो 2% का माइनस है अभी आज तक 16 फरवरी 2023 तक, और पिछले 3 महीने का रिटर्न 4% की तेजी है। तो ये प्राइस परफॉर्मेंस, मार्केट कैप और फाइनेंशियल नंबर थे। अब शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। सीईएससी लिमिटेड का ये ग्राफ लगा हुआ है, 1 साल का ग्राफ है, 78 रुपीज़ में स्टॉक प्राइस है, और इसका जो 52 वीक हाई है 88 रुपीज़ का है, 52 वीक लो है 68 रुपीज़ का,
₹88 का हाई और ₹68 का लो। और ग्राफ की तरफ अगर हम ध्यान दें तो इसमें भी काफ़ी उतार चढ़ाव होता है। देखिए पूरे साल भर के अनुसार देखते हैं तो अप्रैल के महीने में, अप्रैल 2022 को ये ऊपर की तरफ था 86-87 में, उसके बाद इसमें गिरावट आई, नीचे की तरफ आया है और 69-70 के आसपास, उसके बाद फिर एक तेज़ी बनी 85-86, उसके बाद फिर से गिर गया स्टॉक और लगभग 70 के आसपास आया, फिर एक तेज़ी बनी है ऊपर की तरफ 81, और फिर से देखिए स्टॉक नीचे की तरफ। अब नतीजों के बाद इसमें देखिए थोड़ी बहुत तेज़ी आई है ₹78 में। तो इस तरह का उतार चढ़ाव रहा है पूरे साल भर के अनुसार। और ऊपर का जो रेजिस्टेंस है ₹90 का है, ₹88 का इसका 52 वीक हाई है, तो ये एक रेजिस्टेंस है। अभी ₹78 में ये स्टॉक है ऊपर की तरफ, ऊपर का जो रेजिस्टेंस रहेगा इसका, ये रहेगा ऊपर का ₹81.20। ₹81.20 के ऊपर अगर क्लोजिंग देगा तब ये 87-88 के आसपास तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और इस तिमाही में कंपनी ने डिविडेंड दिया है तो स्टॉक में थोड़ी बहुत तेज़ी आ सकती है, स्टॉक जब ऊपर की तरफ जा सकता है। तो जैसे कि डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ है तो डिविडेंड लेना चाहिए जिनके पास है, और जब स्टॉक ऊपर की तरफ हो तो मुनाफा वसूली करनी चाहिए। और देखिए और नीचे की तरफ लगभग 70-68 के आसपास बाइंग हो रही है, तो इस तरह का इसका रेंज है। तो तीसरी तिमाही के नतीजों के साथ डिविडेंड दिया है, जब स्टॉक ऊपर की तरफ हो तो इसमें मुनाफा वसूली करनी चाहिए और डिविडेंड लेना चाहिए। कंपनी का जो डिविडेंड का रिकॉर्ड अच्छा है तो अब की बार कंपनी ने ₹4.50 का डिविडेंड दिया। ये ग्राफ के अनुसार एनालिसिस है और तीसरी तिमाही के नतीजों का अपडेट था, साथ में कंपनी ने ₹4.50 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। हमारे चैनल धीरज सिंह के स्टॉक्स पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।